विकास जी, मतदान हो रहा है, क्या स्थिति है, क्या लग रहा है आपको, कई जगह से आपके पास सूचना है? मतदान की तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा, सरकारी तंत्र को जो है बहकाया जा रहा, डराया जा रहा, वोटरों को भी कुछ जहाँ पर वोट डालने का वो है वहाँ मशीनों में कुछ करके कुछ किसी की पर्ची नहीं मिली, किसी की वोट कट गई, कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा जिससे वोट परसेंटेज कम हो जा। ऐसी कितनी शिकायत है जो मशीन खराब होने की घंटों घंटों बाद चलने की? ये तो काफ़ी शिकायतें आ रही है, जो भी सूचना आ रही है मिलने में, जिससे भी पता लग रहा वही बता रहा है, बोले बस का वो नहीं हो रहा, उसका ये नहीं हो रहा, वहाँ पर्ची नहीं गई, वहाँ ये नहीं गया, कुछ ना कुछ मतलब हर तरह से इसे चुनाव को धीमा कराने की वो हो रही है। जिस तरह वोट को लेकर है, वोट काटने की शिकायत है, किस तरह? वो वोट कट रही है इसमें कुछ मोहल्लों में जो है। आपने भी तो बताया आपके घर में भी कट रही है। हमारे घर में जो है हमारी डेथ हमारे बाबा जी की हुई थी 6-7 महीने पहले, और वोट हमारे पिताजी की काट दी। बाबा जी की ओट है तो कैसी कैसी मशीनरी है, कैसे कर्मचारी है इनके जो इनके सारे पर काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कौन किसने कराया है ये? बस जो सत्ता का भोगी है वही करता है इस काम को, सब उन्हीं के हाथ में है ये। नाम क्या है? अब्दुल हकीम। अच्छा, ये आप वोट डाल का है? जी वोट डाल का है, अंदर अंधेरा कर रखा है उसमें। अच्छा। तो उसमें चारना होना जाना है, दिखाई नहीं दे रहा उसमें, यानी कि निशान साफ नहीं दिखाई, निशान साफ नहीं दिखाई दे रहा वहाँ से, तो उसमें चानना कराओ आप। आप लगातार निरीक्षण कर रहे हैं? अभी निकले हैं, बहुत उत्साह है लोगों में, थोड़ा मौसम ठंडा है, उसके बावजूद घर से लोग तैयार हुए निकले हैं, और लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष मतदान करें। पिछली बार आपके 10,000 के लगभग वोटिंग से आप जीते थे, अब की बार क्या उम्मीद जताएं? और अधिक मतलब जीतेंगे, पूरा भरोसा इस बात का है, अपने क्षेत्र की जनता पर, अपने काम पर, उनका प्यार हमारे प्रति और हमारा सम्मान उनके प्रति, इसका पूरा भरोसा है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और अधिक मतों से चुनाव जीतेगी। मंत्री जी, कुछ मतदान केंद्रों पर इवीएम एक दो मतदान केंद्रों पर थी उठी हुई है, काम ठीक प्रकार चालू हो गया। जनपदवासियों से किस तरह का भी संदेश देना चाहते हैं? एक अच्छी साफ सुथरी जिम्मेदार सरकार बने, उसके लिए सबका मतदान बीजेपी के पक्ष हो, ऐसा जी। आप वोट कब डालेंगे? 10 बजे MM इंटर कॉलेज। ठीक।